हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 27 मई 2021, दिन गुरुवार, और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के प्रमुख बड़ी खबरों में हम चर्चा करेंगे कुछ हेडलाइंस न्यूज की, जिसमें व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बड़ा अपडेट है, सरकार की एक नई योजना भी है, राशन कार्ड वालों को 3,000 रूपए देने का ऐलान किया गया, किस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये अपडेट आ रहा मैं आपको बताऊंगा। वहीं पति पत्नी को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर आपके घर में कार, गाड़ी वगैरह, फोर व्हीलर है कुछ भी, तो भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है। वहीं सरकार की ओर से नया राहत पैकेज का भी ऐलान किया गया है। चक्रवाती तूफान यास को लेकर भी बड़ी खबरें अपन जानेंगे, साथ ही कोरोना अपडेट्स भी जानेंगे, आज के ताजा कोरोना आंकड़े वगैरह, कुछ बैंक खाता वालों के लिए भी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं। तो आइए ऐसे एक एक करके आज की 50 बड़ी इंपोर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलता हूँ पहली खबर में, तो देखिए अपडेट आप आम आदमी के लिए एक अच्छी खबर है। अब इस महामारी में आपकी जेब पर ज्यादा भारी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक नया सरकारी फरमान सामने आ रहा है। दरअसल बात कुछ यूं है कि अभी जो एक कोरोना महामारी का दौर चल रहा ना, इस दौर में जितनी भी ये बीमा कंपनियां, चाहे LIC हो गई और कोई भी दूसरी बीमा कंपनियां ना, वो अपना प्रीमियम नहीं बढ़ा सकती हैं किसी भी तरह की बीमा पॉलिसी पर। ये सरकार की तरफ से और IRDA की तरफ से, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि इस कोरोना काल के दौरान कोई भी कंपनी अपना इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं बढ़ाएगी, है ना। तो ये आम आदमी के लिए राहत की बात है। और अगली बड़ी खबर देखिए, बड़ा फैसला है, नेशनल हाईवे के टोल नाकों पर अब 10 सेकंड से ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि टोल बूथों पर पीली लाइन खींची जाएगी। अगर गाड़ियों की 100 मीटर लंबी कतार लगी तो फिर आपको टोल टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, टोल नाकों पर यह बहुत ही अच्छी नई सुविधा शुरू होने जा रही है। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर किसी भी कारण से टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगती हैं और ये लाइन अगर 100 मीटर से ज्यादा दूरी तक पहुंचती है ना, तो फिर उन वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उन गाड़ियों से टोल टैक्स लिया ही नहीं जाएगा। और ये टोल तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि जाम 100 मीटर से कम दूरी तक नहीं आ जाता। तो कहने का मतलब दोस्तों, फास्टैग को अनिवार्य होने के बाद अब ज्यादातर टोल प्लाजों में वाहनों को इंतजार वैसे भी नहीं करना पड़ता है, और अब ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया चाहती है कि फास्टैग का और भी ज्यादा से ज्यादा यूजेज बढ़े, इसलिए ये कुछ नेशनल हाईवे पर नई सुविधाएं शुरू की गई है। वाकई में अच्छी बात है ना। अगली बड़ी खबर देखिए कि व्हाट्सएप ने भारत सरकार पर मुकदमा दायर कर दिया। व्हाट्सएप का कहना है कि नए IT नियमों से प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस फाइल किया है, जिसमें आज से ही लागू होने वाले नए IT नियमों को रोकने की मांग की गई है। मैसेंजर ऐप का कहना है कि नए नियमों से यूजर्स का प्राइवेसी टू राइट कमजोर होगा। हालांकि दोस्तों, सरकार का भी इस पर एक जवाब निकल कर आ रहा है। वो देखिए कि भारत सरकार ने व्हाट्सएप को जवाब दिया और कहा कि लोगों की प्राइवेसी का सम्मान करती है सरकार। व्हाट्सएप के आरोपों का सरकार ने उत्तर में कहा कि प्राइवेसी के अधिकार का पूरा सम्मान है, राइट्स टू प्राइवेसी। भारत सरकार निजता के अधिकार का सम्मान करती है और इसका उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं है। देखते हैं दोस्तों, अब माननीय हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया जाता है इस केस पर। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा और DLS न्यूज पर। फिलहाल देखिए अगली खबर, भारत के लिए एक अच्छी बात है कि अमेरिका के बाद 20 करोड़ वैक्सीन पूरा करने वाला हमारा दूसरा देश बन चुका है भारत। मतलब कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही देश हैं जिन्होंने अब तक 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को टीका लगा दिया, एक तो अमेरिका और उसके बाद हमारा भारत, इंडिया जो है वो भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है, राइट। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, बड़ी मतलब चौंका देने वाली बात और रिसर्च निकल कर आ रही है कि पति पत्नी के रिलेशनशिप पर कोरोना वायरस का असर पड़ रहा है, 5 गुना तक झगड़े बढ़ चुके हैं। अब इसका कारण क्या है? तो दरअसल अभी कोरोना वायरस की महामारी के चलते कई राज्यों ने लॉकडाउन वगैरह जैसे प्रतिबंध लगा रखे हैं, राइट। तो लॉकडाउन के चलते होता है कि ज्यादातर लोग अपने घरों में ही रहते हैं और इसका असर अब पति पत्नी के रिश्तों पर देखने को मिल रहा है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन के माहौल में 5 गुना तक झगड़े बढ़े हैं। यानी कि जाहिर सी बात है, पति पत्नी घर पर रहेंगे दिन भर तो फिर करेंगे क्या, लड़ाई झगड़ा तो होना ही है। बहुत सारे कई रीजंस सामने निकल कर आके आते हैं इसको लेकर। इस बात का खुलासा BHU के मनोवैज्ञानिकों की ऑनलाइन काउंसलिंग में हुआ है। खैर, आपकी भी अगर शादी हो चुकी है तो आप कभी लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, आराम से प्रेम प्यार मोहब्बत से रहिएगा। और फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, PM मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत भी।
किए। और आपको पता होगा कि फ्रांस ने हाल ही में भारत की मदद की थी, तो उसके लिए भी पीएम मोदी ने उनको धन्यवाद अदा किया। और इसके अलावा पीएम मोदी ने कोरोना कम हो जाने के बाद उनको भारत आने का न्योता भी दिया। पीएम मोदी ने फोन पर कहा कि एक बार कोरोना कम हो जाए फिर भारत आजू मिलवा। तो ये बातें चीते हुई। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, ओपन स्कूल से पढ़ने वाले छात्रों को 33% पर भी मिलेगा दिल्ली सरकार के स्कूलों में दाखिला। जी हाँ, जो ओपन स्कूल से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। NIOS से पढ़ाई करने के बाद अब इन छात्रों को सीधे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिला मिल सकेगा। दिल्ली सरकार के स्कूल 33% अंक हासिल करने वाले छात्रों को भी स्कूल में दाखिला देने से मना नहीं कर पाएंगे। यानी कि ओपन स्कूल से सिर्फ पास आउट स्टूडेंट्स भी अब दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर स्कूल में एडमिशन ले पाएंगे। ये हाईकोर्ट का आदेश है दिल्ली सरकार के लिए, अच्छी बात है। अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार की 7वीं वर्षगांठ पर 1,00,000 गांव तक पहुंचेगी बीजेपी। कोरोना से राहत बचाव अभियान चलाने की तैयारी भी चल रही है। इस बार जो मतलब गवर्नमेंट की वर्षगांठ आ रही है ना 7वीं, इस मौके पर गांव में कोरोना स्प्रेड को किस तरह से रोका जाए इसकी प्लानिंग गवर्नमेंट करने जा रही है। इस बार वर्षगांठ के मौके पर किसी भी तरह का समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी कोरोना चल रहा है। अच्छा, अगली खबर देखिए, पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट करा रहे लोगों को यूपी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब उनको इलाज का पैसा नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट क्या होता है तो बोले तो दोस्तों, कोरोना के बाद जो होने वाली बीमारियां थी ना, उनका इलाज भी अब उत्तर प्रदेश में फ्री होगा। यूपी में पोस्ट कोविड बीमारियों का इलाज भी फ्री होगा। अब सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया। कहने का मतलब, कोरोना से ठीक होने के बाद अगर किसी की मरीज में कोई दिक्कतें आ रही है, कोई बीमारी का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि ब्लैक फंगस वगैरह हो गया, तो इस तरह की बीमारियों का इलाज भी यूपी में अब फ्री होगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके बारे में। अगली बड़ी खबर देखिए कि महामारी की शुरुआत से ही पुरुषों पर ज्यादा अटैक कर रहा कोरोना। एक स्टडी में इस तरह की बात सामने आई है, जहां कोरोना के कारण पुरुषों में मौत का खतरा महिलाओं से ज्यादा देखा गया। अमेरिका के अंदर की गई एक स्टडी से पता चला दोस्तों कि इसका कारण टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल हार्मोन भी है। कोरोना जो है ना, पुरुषों पर ज्यादा अटैक कर रहा है शुरुआत से ही, जब से ये महामारी आई तब से ही। अमेरिका के अंदर एक नई स्टडी में इस तरह का खुलासा हुआ। और अगर आप एक पुरुष हैं तो प्लीज ज्यादा सतर्क और ज्यादा सावधान रहिएगा। हालांकि महिलाओं को भी सावधानियां बरतनी है, लेकिन आप मास्क जरूर लगाएं और सब कुछ सुरक्षा मानकों का पालन करें प्लीज, पुरुष और महिलाएं सभी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए कि इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी लाइक के काउंटिंग वाला फीचर हट सकता है। यानी कि अब कोई दूसरा पब्लिक यूजर जो है आपकी पोस्ट पर कितने लाइक्स मिले हैं ये नहीं देख पाएगा। हालांकि आपको ऑप्शन मिलेगा, किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले आप उसके लाइक्स के नंबर ऑफ काउंटिंग को छुपा सकेंगे। वही आप इसे सेटिंग में जाकर के ऑन या ऑफ भी कर पाएंगे। जल्दी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम इन दोनों जगहों पर लाइक्स हाइड करने का फीचर ऑप्शन मिलेगा। ओके, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, ICICI बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब डिजिटल वॉलेट के साथ UPI ID को आप लिंक कर पाएंगे। जी हाँ, ICICI बैंक ने UPI ID को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट से जोड़ने की एक नई सुविधा शुरू की है। ये एक ऐसी ID होती है जिसे बचत बैंक खाते से जोड़ा जाना आवश्यक होता है। नए यूजर्स जिसमें वो लोग भी शामिल है जो ICICI बैंक के ग्राहक नहीं है, अब तुरंत एक UPI ID प्राप्त कर सकते हैं जो स्वचालित रूप से नई सर्विस वॉलेट पॉकेट से जुड़ा होता है। कहने का मतलब, ICICI की इस UPI सर्विस का फायदा वे लोग भी ले सकते जिनका ICICI बैंक में खाता नहीं है, है ना। ये एक नई सुविधा है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन के काल में पुडुचेरी सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। 3,000 रूपए देने का ऐलान किया राशन कार्ड धारकों को। 3,00,000 से भी ज्यादा लोगों को सरकार के द्वारा ये राहत राशि दी जाएगी। दरअसल दोस्तों, लॉकडाउन के चलते कई लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है और ऐसे में पुडुचेरी सरकार जो राशन कार्ड धारकों को 3,000 रूपए आर्थिक सहायता राशि देने का घोषणा की है, अच्छी बात है। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए आप, JEE एडवांस एग्जाम भी रद्द हो चुका है कोरोना के चलते ही, जो कि 3 जुलाई को इसकी परीक्षा होनी थी, फिलहाल इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। नई तारीखों की घोषणा अब आगे कोरोना महामारी की स्थितियों को देखते हुए की जाएगी। साथ ही बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री CM स्टालिन की तरफ से ये घोषणा की गई है कि तीनों कृषि कानून के पारित हुए 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए किसानों के साथ बातचीत करने की कोशिश नहीं की, ये कहना है तमिलनाडु CM का। और अब ये विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने जा रहे हैं। चलिए अगले अपडेट में बात करें दोस्तों, आज के मौसम समाचार को लेकर कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए अपडेट, चक्रवात यास ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचा दी है, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं, ये बर्बादी के कई निशान छोड़ गए हैं तूफान। इस चक्रवात यास की वजह से बंगाल में 3,00,000 से भी ज्यादा लोगों के घर उजड़ गए, 1 करोड़
लोग तकरीबन इससे प्रभावित हुए हैं। तूफान का ऐसा ही कुछ असर उड़ीसा में भी हमें देखने को मिला। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये बयां करते हैं तस्वीरें कि किस तरह से लाखों लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं। सावधान हो जाइए, ये तूफान यहाँ से आ चुका। भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते घर टूटे, पेड़ उखड़े। चक्रवात यास ने कल से भारी तबाही मचाई। ये कुछ वीडियो फुटेज भी आप देख सकते हैं। वही दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी चक्रवात से प्रभावित लोगों को 1 करोड़ रुपए की राहत राशि भेजी है। अब ये आज यहाँ का दौरा भी करेगी। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने भी यास चक्रवात से प्रभावित उड़ीसा राज्य के लिए मदद का ऐलान किया। 641 करोड़ रुपए मदद के लिए केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। बताया जा रहा दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह की सिफारिश पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट का ऐलान किया है। वहीं देखिए, चक्रवात यास को लेकर लाइव अपडेट आ रहा कि उड़ीसा और बंगाल में तूफान से 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 4 लोगों की जान जाने की खबर है अब तक इस तूफान में। अगले 3 घंटे में ये तूफान थोड़ा कमजोर हो सकता है, इस तरह की वेदर न्यूज आ रही है। वहीं देखिए दोस्तों, इस तूफान के चलते बंगाल की नदियां भी उफान पर चल रही हैं। यास तूफानों के थपेड़ों से जूझता उड़ीसा, अभी मतलब हालात ये हो चुके दोस्तों कि चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। और समुद्र के अंदर आई बड़ी बड़ी लहरों से और अब भारी बारिश से हालात कुछ यूं हो चुके दोस्तों कि नदियों में पानी भी नहीं समा रहा, नदियां उफान पर चल रही हैं। अभी बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया पर कल काफी वीडियो फुटेज भी शेयर की गई, मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहूंगा। इसमें देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से चक्रवाती तूफान ने कहर बचाया। ये कुछ अलग अलग तरह के वीडियो फुटेज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये यास तूफान से लाइव वीडियो निकल कर आ रही है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों की। अच्छा, सिर्फ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में नहीं दोस्तों, और भी कई राज्यों में मौसम विभाग की चेतावनी निकल कर आ रही है। केरल में भी भारी बारिश और समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें, मौसम विभाग ने यहाँ पर भी येलो अलर्ट जारी कर दिया। साइक्लोन यास के चलते तूफान से तबाही शुरू हुई, मुंबई एयरपोर्ट पर 6 फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया। वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इस साइक्लोन यास से पहले जो तावते तूफान आया था ना, उससे भी गुजरात राज्य में कई लोगों की, किसान भाई लोगों की फसलें खराब हो गई और उस पर अब सरकार का एक राहत पैकेज निकल कर आ रहा। किसानों को राहत देने के लिए गुजरात सरकार अब 500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देगी। जी हाँ, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है कि जो तावते तूफान से जिन भी किसानों का नुकसान हुआ ना, उनको मुआवजे के रूप में इस बजट से राहत राशि मिलेगी। 500 करोड़ रुपए का अलग से राहत पैकेज जो खास करके किसान भाई लोगों के लिए इस तूफान के नुकसान को भरपाई करने के लिए निकाला गया, तो ये वाकई में अच्छी बात है। संपूर्ण भारत का आज 27 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? तो अगले 24 घंटों के दौरान भीषण चक्रवात यास तूफान जो है थोड़ा कमजोर हो जाएगा और उड़ीसा के अंदरूनी हिस्सों में ये डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा और आगे झारखंड पर एक डिप्रेशन के रूप में ये तूफान कमजोर पड़ जाएगा। और इसके चलते, माहौल के चलते दोस्तों, गंगे पश्चिम बंगाल उड़ीसा झारखंड और बिहार के अंदर 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश गरज बौछारें देखने की संभावना है। वहीं उत्तर पूर्व भारत केरल अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में भी बारिश देखने को मिल सकती है आपको। बिहार उत्तर प्रदेश के अभी कई जिलों में अगले 2-3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल, इसके अलावा तटीय कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, रायलसीमा, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये तो रहा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान का वेदर न्यूज, मौसम अपडेट। और आइए अब अपन नजर डालते हैं दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के क्या रेट और स्टेटस चल रहे हैं। तो देखिए, सोने ने फिर दम दिखाया है, 48,500 के सोना पार पहुंच चुका है। अच्छा, देखते देखते सोने के भाव में और तेजी देखी गई, 49,000 रुपए के पार निकल चुका सोना। और इस साल के आखिर तक सोना जो है 57,000 तक जा सकता है। अगर आप भी सोने चांदी की ज्वेलरी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं ना दोस्तों, तो अभी खरीद लें क्योंकि सोना और भी ज्यादा महंगा हो सकता है। सोना एक बार फिर से 49,000 के करीब पहुंच चुका है। पिछले 2 महीनों में ही सोना 4,500 रुपए से भी ज्यादा महंगा हुआ और इसीलिए तो मार्केट एक्सपर्ट का भी ये कहना दोस्तों कि सोना 57,000 पार तक जा सकता है ना। तो अगर आप खरीदने की प्लानिंग करें तो कर लें। अभी सोना चल रहा है लगभग 49,000 के बराबर और चांदी चल रही है 70,700 के लगभग बराबर है, ठीक है ना। ओके, तो ये तो रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और अब अपन बात करते हैं दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो देखिए, आप असम में 4 बार विधायक रहे मजेंद्र नारजारे का कोरोना से निधन हो चुका। कई बीमारियों के चलते ये अपनी जिंदगी की जंग हार गए हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है ईश्वर से। अगला अपडेट देखिए, पीएम मोदी ने कल ही कहा कि कोविड-19 में जिन लोगों ने अपनों को खोया, मैं भी उनके दुख में शामिल हूँ। कल ही बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी ने संबोधन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जो कोरोना पीड़ित परिवार हैं, उनके दुख में हम सभी शामिल हैं, पूरा देश उनके दुख के साथ है, हम सबको लड़ करके इस महामारी को भगाना है।
और इसीलिए आप भी इस लड़ाई में साथ दे दोस्तों, प्लीज मास्क लगाएं, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते रहें। वही देखिए केट की ये मांग है कि 1 जून से ही दिल्ली सरकार जो मार्केट वगैरह खोल दे। जी हाँ, केट का कहना है कि 1 जून से लॉकडाउन को थोड़ी ढील दी जाए। दुकान और रेहड़ी बाजार पर व्यापारियों ने दिल्ली सरकार को कुछ सुझाव भेजे हैं, देखते हैं दिल्ली गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है, मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल देखिए अगली खबर कि भारत में जून के मध्य तक आम लोगों को लगेगी स्पुतनिक वी वैक्सीन। हालांकि इसकी दोनों खुराकों के बीच 21 दिन का गैप जरूरी है, लेकिन अब लगभग जून मध्य तक लोगों को ये वैक्सीन भी लगने लग जाएगी। साथ ही बड़ी खबर देखिए, 1 जून से मध्य प्रदेश में अनलॉक लागू होने जा रहा है। कुछ शर्तें लागू रहेगी, आर्थिक गतिविधियां शुरू होगी, प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी, साथ ही समारोह में 20 लोगों को ही अनुमति मिलेगी और वहीं कोरोना टेस्ट भी जरूरी होगा। मुख्यमंत्री की 4 जरूरी और बड़ी बातें भी इस अनलॉक को लेकर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाँव, ब्लॉक और जिलों में अनलॉक के लिए 30-31 मई को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में फैसला किया जाएगा, तो ये गवर्नमेंट की प्लानिंग है। वहीं बड़ी खबर देखिए, कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद शिलोंग में बनेंगे 3 और कोविड केंद्र। राज्य सरकार ने इस तरह का ऐलान कर दिया। मेघालय सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच शिलोंग में 150-150 बिस्तरों की क्षमता वाले 3 और नए कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने का फैसला किया, तो अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगले अपडेट पर नजर डालिए, तो आपको पता होगा कि कोरोना वैक्सीन के लिए जो छोटे बच्चों के लिए ट्रायल चल रहा था 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो यहां पर अपडेट आ रहा दोस्तों कि 12 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं और 18 तक के बच्चे जो है ना, उन पर मोडर्ना की वैक्सीन प्रभावी होने का दावा किया जा रहा है। ट्रायल के नतीजे क्या रहे हैं, तो दरअसल दोस्तों कंपनी का दावा है कि 12 साल से लेकर 17 साल के उम्र वाले बच्चों पर यह वैक्सीन कारगर साबित हुई है, जबकि कंपनी के द्वारा ऑलरेडी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए, बच्चों के लिए वैक्सीन जो है जारी कर दी गई है, बाजार में आ चुकी है। लेकिन 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं ना, उन पर भी कंपनी का यह दावा निकल कर आ रहा कि ट्रायल सफल रहा। देखते हैं ऑफिशियल अपडेट कब आता है और सरकार कब इसको मंजूरी देती है, मैं आपको अपडेट बता दूंगा और भी आगे। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 18 प्लस को वैक्सीनेशन नियमों में कुछ राहत दी गई है। शहरों में ऑफलाइन टीका लगवाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी भी चल सकेगा अब, और ग्रामीण क्षेत्रों में सेंटर्स पर रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं होगा। तो ये कुछ 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए टीकाकरण में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नियमों में ढील दी गई है, अच्छी बात है। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, अब बाजार में भी आपको मिल पाएगी DRDO की कोविड-19 रोधी दवा 2DG। इसकी दूसरी खेप आज जारी होने जा रही है और जल्दी आपको ओपन मार्केट में खुली मिल सकेगी। ओके, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में 45 साल से ज्यादा उम्र के 66% लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोले कि सुचारू रूप से टीकाकरण अभियान चल रहा और अच्छी बात है। भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 211,000 के समथिंग नए मामले देखे गए और एक्टिव केस अभी भारत में चल रहे हैं 24,15,000 से भी ज्यादा। पिछले 24 घंटों में 3,800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या 3,15,000 से ज्यादा हो चुकी है और भारत में अभी तक कोरोना के जो कुल आंकड़े हैं ना, टोटल डेटा, वो हो चुके हैं 2,73,67,000 से भी ज्यादा। ओके, तो ये तो रहा भारत में कोरोना का डेटा और इसके साथ ही कोरोना अपडेट यही फिनिश होते हैं। और अब अपन नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए अपडेट, आप सिंडी बैंक के खाताधारकों के लिए जरूरी खबर है कि 30 जून तक आप अपने खाते का IFSC कोड अपडेट कर लें, क्योंकि 1 जुलाई 2021 के बाद इस बैंक के कई सारे IFSC कोड जो चेंज होने जा रहे हैं, इसलिए आप जरूर जानकारी चेक करके अपडेट कर लें। वही बैंक हॉलीडेज को लेकर खबर आ रही है दोस्तों, नेक्स्ट मंथ जून में कुल 10 दिनों तक बैंकों में छुट्टियां रहने वाली हैं। और दोस्तों अभी के वक्त ज्यादातर बैंकों के अंदर कामकाज भी सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही चल रहे हैं, राइट। तो ऐसे में बैंकों की छुट्टियां कब कब हैं, इसकी लिस्ट तो आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं और उस हिसाब से ही आप अपने बैंकिंग काम को, टास्क को शेड्यूल कर लें, ठीक है ना। यहाँ पर 4 छुट्टियां तो ये दी हुई है, इसके अलावा 4 तो संडे आ जाने वाले हैं और 2 सैटरडे जो कि 4th और 2nd सैटरडे पर भी छुट्टी रहती है। इस तरह से कुछ और बैंक हॉलीडेज कई स्टेट के अंदर रहने वाली है, तो इस तरह से टोटल लगभग 8-10 दिन जो है जून के अंदर बैंक बंद रहने वाले हैं, ठीक है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए, एयर इंडिया ने कंपनी ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब 30 जून तक फ्री में बदल पाएंगे यात्रा की तारीख और इसके लिए आपसे कोई चेंजिंग चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। चलिए साथ ही खबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव का चुनाव चल रहा और भारत ने एंटोनियो गुटेरेस के ही दूसरे कार्यकाल का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव होता ना, UN सेक्रेटरी, इसके पद का कार्यकाल भी 5 सालों का ही होता है और इस लिहाज से एंटोनियो गुटेरेस का कार्यकाल इस साल 31 दिसंबर को पूरा होने वाला और भारत ने एक बार फिर से इन्हीं को बनाने की ख्वाहिश जाहिर की है। देखते हैं चुनाव में कौन जीतता है, मैं आपको बता दूंगा।
वहीं बड़ी खबर देखिए, आम आदमी के लिए बड़ा झटका है। जल्द ही बढ़ सकती हैं एसी, फ्रिज, कंज्यूमर अप्लायंस वगैरह इस तरह की चीजों की कीमतें। 10-15% तक इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं ये महंगे हो सकते हैं, और इसीलिए अगर आप लाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जल्द से जल्द ले आए तो ज्यादा बेहतर है। ओके, और अब बात करते हैं अपन अगली बड़ी खबर में। देखिए आप, गिरफ्त में आ चुका है भगोड़ा हीरा कारोबारी। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी क्यूबा भागते वक्त डोमिनिका से गिरफ्तार किए गए। और इसी बीच एंटीगुआ के पीएम बोले कि सीधे भारत को ही सौंपेंगे। 3 दिन पहले एंटीगुआ और बारबुडा से ये लापता हुए थे, तो आखिरकार इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही बड़ी खबर देखिए कि जमानत देते समय करना होगा अपराध की गंभीरता का आकलन। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला ही बदल दिया, और सुप्रीम कोर्ट का यही कहना कि अगर आप किसी अपराधी को, किसी क्रिमिनल को जमानत दे रहे हो तो एक बार ये तो जरूर कोर्ट को सोचना चाहिए कि आखिर कौन सा इसने अपराध किया था और किस अपराध के लिए इसको जमानत दी जा रही है, किसके बेसिस पर। ये सब चीजें कोर्ट को गहनता से सोचनी चाहिए, ये कहना सुप्रीम कोर्ट का। अब इस केस के बारे में ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना काल में अंडा खाना भी महंगा, चिकन और मटन वगैरह के भी दाम बढ़े हैं। जनरली अंडे की ट्रे 130 रुपए में आती थी, 30 अंडे की, वो अभी 160 रुपए प्रति ट्रे के लगभग चल रहा है। अच्छा, अगली खबर देखिए, मालदीव के इस शहर में खुलेगा भारत का नया दूतावास। गुजरात और बिहार से जुड़ा है इसका इतिहास। दरअसल मालदीव के जिस शहर में भारत का नया कॉन्सुलेट होगा वो मालदीव का सबसे पुराना और घनी आबादी वाला शहर है। यहाँ पर स्थित 6 द्वीपों में से एक मिधु का इतिहास 2000 ईसा पूर्व से भी जुड़ा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया है। भारत ने तय किया दोस्तों कि वो साल 2021 में पड़ोसी देश मालदीव के अड्डू शहर में अपना एक नया कॉन्सुलेट खोलेगा। गवर्नमेंट की अच्छी प्लानिंग है। अगली खबर देखिए आप, किया कंपनी ने एक जबरदस्त ऑफर पेश किया कि खरीदो कार 1 महीने चलाओ, अगर पसंद ना आए तो वापस ले आओ। जी हाँ, किया इस तरह का ऑफर लेकर आई। आप अपने नजदीकी शोरूम जाकर के किया की कोई भी गाड़ी उठा सकते हैं, 1 महीना चलाओ, देखो आराम से, और पसंद नहीं आए तो पैसा वापस ले जाओ। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, जिस दिन अमेजोन की हुई थी शुरुआत उसी दिन सीईओ का पद छोड़ेंगे जेफ बेजोस। दरअसल दोस्तों अमेजोन के जो सीईओ हैं भी वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से भी एक हैं जेफ बेजोस। ये 5 जुलाई को अमेजोन का सीईओ का पद छोड़ देंगे, और अभी जो अमेजोन के एग्जीक्यूटिव हैं एंडी जेसी, उनको अमेजोन का नया सीईओ का पद संभालेंगे। जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया ये चीज भी। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ऐसी कोई 4 मिठाइयों के नाम बताइए दोस्तों जो दूध से बनती है। कहने का मतलब केवल दूध से नहीं, लेकिन दूध उनके लिए जरूरी होता है। ऐसी कोई 4 मिठाइयों के नाम मुझे आप नीचे कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी कड़ी में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप एक और काम करना दोस्तों, DLS न्यूज चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा उसको भी दबा देना, जिस तरह से मैं दबा रहा हूँ अभी उस तरह से, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार जो है ना वो तुरंत आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, बाकी ख्याल रखना आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।